ओम ह्रीं अर्हं रमूजिनाणं रमो ऋणगुरुणं रमो विद्यासायरं। मूकमाटी महाकाव्य खंड दो। यहाँ प्रसंग चल रहा है, माटी को फुलाया जा रहा है और उसी समय सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में किस प्रकार वहाँ चारों तरफ स्थिति बनी, हिम का पात हो रहा है अर्थात बर्फ गिर रही है और बर्फ के गिरने से चारों तरफ जो फसल है वह सारी की सारी मुरझा रही है, एक प्रकार से तुषार लग गया है, लेकिन शिल्पी पतले से कंबल में अभी भी रातें गुजार रहा है, जो एक आदर्श है, जो सबके लिए सम्मान का पात्र बन चुका है। वहीं उसी समय वहाँ पर दोनों के बीच में कुछ संवाद होता है, तो उसमें भी स्वभाव और विभाव की बात की जाती है और वह कहता है शिल्पी कि हम तो राम के दास हैं, राम के पास सोते हैं, इसलिए हमको ठंड नहीं लगती। और यहाँ पर अंत में कहते हैं कि अकाय में रत हो जा, काय और कायरता ये दोनों अंतकाल की गोद में विलीन हो आगामी अनंत काल के लिए, अर्थात हम सिद्धों की भक्ति में लीन हो जाएं तो सिद्धों की भक्ति के प्रभाव से हम स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात इस संसार में लौटकर फिर नहीं आएंगे। आइए देखते पेज नंबर 94। अब यहाँ पर एक कांटा है जो मिट्टी में मिला हुआ है, मिट्टी खोदते समय शिल्पी के प्रमाद वशात वह कांटा टूटकर मिट्टी में मिल गया। अब कांटा गुस्से में है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे परिवार से भिन्न क्यों किया, और इतना सब हो जाने के बाद भी आज तक कुंभकार ने मुझसे क्षमा याचना नहीं की, इसलिए मैं तो कुंभकार से बदला लूँगा। और इस बदले की भावना से वो मिट्टी में छिपा जा रहा है और माटी में वह है। देखते हैं अब आगे की चर्चा। बहुत सुंदर प्रसंग है, जीवन में बहुत सारी भावनाएं जो हम अंदर लिए हुए बैठे हैं कि समय आने दो हम बताएंगे, भले ही वो बड़े हैं और हम छोटे, लेकिन समय आने पर हम देख लेंगे, इस प्रकार की जो अंतर कषाय है उस कषाय से हम स्वयं ही परेशान होंगे, हम स्वयं ही अपने परिणामों को खराब कर रहे हैं। ऐसा संदेश, बहुत सुंदर संदेश यहाँ गुरु महाराज महाकवि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज कांटे के माध्यम से देंगे। आइए देखते हैं। फूल दलों सी फूली पूरी फूली माटी है, जैसे फूल के दल अर्थात फूल की पंखुड़ियाँ फूल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, सुंदर हो जाती है, ऐसे ही माटी सुंदर हो गई है। माटी का यह फूलना ही चिकनाहट स्नेहल भाव का आदिम रूप मूलन है, और यही चिकनाहट का सर्व आदि मतलब सर्वप्रथम रूप का मूलन अर्थात आंकलन है, और रूखापन का द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मीलन है। उन्मीलन मतलब हटाना, अलग करना, निकाल देना। तो यहाँ पर रूखापन अर्थात जो द्वेष भाव था वो दूर हो गया और प्रेम भाव विकसित हो गया। प्रेम भाव दोनों प्रकार से विकसित करना है, एक आत्मिक प्रेम भी हो और एक दूसरों के प्रति भी प्रेम हो, क्योंकि संसार में बहुत सारे जीव हैं जिनके अंदर आत्म प्रेम का अभाव है, आत्म प्रेम के अभाव से आत्म सम्मान का भी अभाव है और दूसरों के प्रति प्रेम नहीं होने से वात्सल्य भाव का अभाव है। इसलिए महाकवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे चिकनाहट बढ़ रही है वैसे वैसे मानो वात्सल्य बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रूखापन कम हो रहा है वैसे वैसे द्वेष भाव ईर्ष्या और कषाय कम हो रही है। यह जो गति आई है मट्टी में,
माटी ने जो किया जलपान का परिणाम है, परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो और अनल का पान करेगी वह। यह माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यह जो गति आई है माटी में, अर्थात माटी की जो अवस्था ये प्राप्त हुई है, इसमें क्या कारण है? तो शिल्पी स्वयं अपने ऊपर ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा किया, नहीं, उसने जो पानी का पान किया, अर्थात उसने जो स्वयं को जल में धारण किया, अवगाहित किया, उसका ही यह परिणाम है। 95 नंबर पेज ऊपर। परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? अरे जल का पान तो इसने कर लिया, लेकिन जल को धारण करने की क्षमता कब आएगी इसमें? जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, जब चिकनाहट अपनी चरम सीमा पर सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाएगी और अनल मतलब अग्नि का पान करेगी वह, और अग्नि को धारण करेगी, अग्नि को सहन करेगी, जब जाकर माटी जल को धारण करने की योग्यता वाली होगी। माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुंचाने, चूलिका मतलब अंतिम शिखर, सर्वोत्कृष्ट अवस्था तक ले जाने के लिए शिल्पी का आना होता है। शिल्पी आता है और उसे अपनी सर्वोत्कृष्ट अवस्था तक, अर्थात सारी जो उत्कृष्ट चिकनाहट उसमें हो सकती है, उसे प्रदान करने में सहयोग करता है। यहाँ हर पद पर पगे पगे आचार्य महाराज ये सिखला रहे हैं हमें, हमें कर्ता बुद्धि नहीं कर्तव्य बुद्धि अपनानी है। हमें यह नहीं सोचना है कि ये सब कुछ हमने किया, हमें तो यह सोचना है यहाँ कुछ भी करने वाले हम कौन होते हैं, जो कुछ हो रहा है वह वस्तु का अपना स्वयं का परिणमन है, वस्तु की स्वयं की अपनी सहज अवस्था है और वस्तु की स्वयं की सहज व्यवस्था है। हम और उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ करने वाले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परद्रव्य के कारण में हम केवल उपकरण रूप हैं, उपकार रूप हैं, सहयोगी रूप हो सकते हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में अपनी अपनी निजी योग्यताएं विद्यमान हैं और वे निजी योग्यताओं के बल से ही सारे के सारे परिणमन होते हैं। हम कर्ता ना बने तो इससे क्या होगा, हमारी कर्ता बुद्धि दूर होगी और कर्तव्य बुद्धि जागेगी। यही तो सम्यक्त की पहचान है, यही तो सम्यक दृष्टि जीव का अभिमान है कि हमें किसी भी रूप में कर्तव्य से तो जुड़े रहना है, लेकिन कर्ता नहीं बनना। आइए अब आगे देखते हैं। पेज नंबर 95 पैराग्राफ नंबर 2 स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रभात की पावन वेला में माटी के हर्ष का पार नहीं और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दर्श का दर्शन करता एक कांटा निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा, और वहां पर उसी मिट्टी में एक कांटा पड़ा हुआ है। अब शिल्पी आएगा और मिट्टी को व्यवस्थित करेगा, तो वो उसके बदला लेने के लिए, उसके हाथ में चूने के लिए वहां छिपा हुआ है। कहाँ? निशा के आंचल में, मतलब अंधेरे में जैसे कोई छिप जाता है चोर, वैसे वह अंधेरे में छिपा हुआ है। माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर उसका आधा सर फटा है, उसका जिसका कर अध फटा है और उसका आधा सिर टूट गया था और उसका आधा हाथ भी टूटा हुआ है, ऐसा है वह। किसके कारण से? शिल्पी के कारण से। शिल्पी ने जब कुदाली चलाई थी तब यह सब कुछ घटित हुआ था। कमर कटी थी उसकी, वही अब और कटी है। जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आंख फूटी है और चपला अपला अवला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का, लगभग वह भी घटी है। आचार्य महाराज एक पूरा चित्रण कर रहे हैं कांटे का कि कांटा कैसा है, तो पूरा एक साइड का हिस्सा उस कांटे का डैमेज हो गया है कुदाली की मार खाके,
और सारा का सारा हिस्सा गड़बड़ हो गया। क्या क्या चला गया देखो फिर से देखते हैं। कुदाली की मार खाकर जिसका सर अध फटा है, आधा सिर फूट गया है, ठीक है, जिसका कर मतलब हाथ आधा कटा है, मतलब एक सर का आधा हाथ कट गया है, दुबली पतली सी कमर कटी थी जिसकी और उसकी कमर पर भी थोड़ा सा असर पड़ा है, वही अब और कटी, अब और कट गई है, और जिधर की टांग टूटी थी उधर की आंख फूटी है, मतलब जिस साइड की आंख फूट गई थी उसी साइड की कमर भी टूटी है और पैर भी टूटा है। अबला चपला मतलब चंचल, अबला मतलब स्त्री, उम्र पर भी अर्थात उसकी जो उम्र थी जो बिना बल वाली उम्र का हो या स्त्री रूप उम्र का हो, जो चंचल थी वह उम्र भी धीरे धीरे अब कम हो गई है, लगभग वह भी घटी है, कहाँ तक कहीं कांटे की कटीली काया दिखती अब अटपटी सी है। और अब वो कांटा कैसा दिखने लगा है, अटपटा, मतलब जिसका कोई सौंदर्य या स्वरूप वास्तविकता में शेष नहीं रहा, सब कुछ गड़बड़ हो गया एक प्रकार से। इसमें संदेह नहीं, प्रायः प्राण उसके कंठगत हैं, श्वास का विश्वास नहीं अब। अब उसके प्राण कैसे हैं, बिल्कुल एकदम मानो कंठ में कंठगत मतलब गले में अटके हैं। आप लोग कहते हैं ना कि अभी तो उसके प्राण गले में अटके बस निकलने वाले हैं, वैसी स्थिति उसकी हो गई कि अब बस ऐसे मरने को है, और उसका स्वरूप एक प्रकार से बहुत ज्यादा विकृति को प्राप्त हो गया है, गड़बड़ यहां पर हो गई है। आसमान का श्वास का विश्वास नहीं अब, किस कौन सी श्वास अंतिम होगी यह उसे नहीं पता, फिर भी आसमान का आधार आश है ना, हम और आप हमेशा कहते हैं कि आशा पर आसमान टिका हुआ है, तो ऐसे ही उसे केवल आशा है कि बस जैसे आसमान टिका हुआ है ऐसे ही हमारा प्राण भी यहाँ टिका हुआ है। तन का वलय कणसा रहता है और मन का वलय मनसा रहता है, यह एक अकाट्य नियम है। क्या पंक्ति है देखो, करें तन का बल यह कण सा रहता है, मतलब तन का बल शरीर का बल तो थोड़ा सा होता है, वास्तविक बल तो मन का होता है, वो कितना बड़ा है, तो मन का बल यह मन सा रहता है। मन किसे कहते हैं, मन एक प्रकार का तौल होता है, वर्तमान में ये 800 ग्राम के लगभग होता है, पूर्व में जैसे 54-58 आदि रुपया चलते थे उसी प्रकार तौलने के लिए मन चलता था, जो 40 शेर का एक मन होता था, और उसका प्रमाण आज अगर हम पैमाना उसका लगाएंगे तो उसका टोटल पैमाना होता था लगभग 800 ग्राम। अब आगे तो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ नहीं, पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है कि तन का बल वह कणसा रहता है, मतलब शरीर का बल तो थोड़ा सा होता है, और मन का बल वह मनसा रहता है, शरीर का बल थोड़ा सा ही हो लेकिन मन का बल सब कुछ करने में समर्थ होता है। गुरु महाराज हमेशा कहते थे, जब आचार्य महाराज के पैर में हरपीस नाम का रोग हुआ और वे अमरकंटक का पहाड़ चढ़ गए, तो जैसे ही मंच पर जाकर बैठे और वहां पर किसी ने माइक लिया और माइक में प्रवचन के लिए भूल निवेदन करने के पहले उसने बोला कि हम सबको विश्वास नहीं कि आचार्य महाराज इन पैरों से इस प्रकार की बीमारी के साथ इतने ऊपर तक चलकर आएंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं, इन पहाड़ों को पैरों ने नहीं हौसलों ने चढ़ा है, पैरों में कहाँ दम था, ये तो हौसले यहाँ तक चढ़ा कर लाए हैं। ऐसे ही गुरु महाराज की पंक्तियां कह रही हैं कि तन का वलवा कणसा रहता है और मन का वलवा मनसा रहता है, यह एक अकाट्य नियम है। हाँ यही यहाँ पर घट रहा है, कंटक का तन तो पूर्णता ज्वर से घिरा है, ज्वर मतलब होता है बुखार, तो कांटे का पूरा शरीर तो बुखार से युक्त है, गर्म हो रहा है गुस्से में, फिर भी मिट नहीं रहा, वह जी रहा है और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है वह, और शरीर तो बुखार में डूबा है लेकिन उसका मन ज्वार का रस पी रहा है, अर्थात आनंद मना रहा है, इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। अरे ऐसा कौन सा चित्त जो इस दृश्य को देखकर चकित नहीं होगा, कि आप पंक्ति पढ़ते ना
कि तन तो धीरे धीरे दुबला होता चला जा रहा है, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। अरे बुढ़ापा तो निरंतर बढ़ रहा है लेकिन विषयों की चाहत कम नहीं होती, विषयों की चाह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इस विस्मय का कारण भी सुनो, क्या कारण है इसमें? विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। मन को छल का संबल मिला है, स्वभाव से ही मन चंचल होता है। क्या कह रहे हैं? मन को छल का अर्थात छल कपट का मायाचारी का संबल मिल गया है और मन तो स्वभाव से ही चंचल होता है, और उस चंचल मन को किसी और चंचलता का क्या मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो फिर मन का कहना ही क्या। 97 पेज। इस मन का छल निश्चल है, इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने। शिल्पी को सल्ल पीरा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा, वैसे मन बैर भाव का निधान होता ही है। देखो गुरु महाराज समझा रहे, सुनो, यह मन का छल निश्चल है, निश्चल है मतलब दृढ़ है, बदला लेकर ही मानूंगा। मन माया की खान है ना, मन कैसा है? ये मायाचारी का खजाना है, बदला लेना ठाना है शिल्पी से इसने क्या करा है? इसने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है, बदला लेकर रहूंगा। शिल्पी को सल्ल पीरा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा, जब कांटा चुभेगा तब जाकर उसको पता चलेगा कि क्या तकलीफ होती है, जो पीड़ा हमें हुई है तो उसको मिले तब पता चलेगा। अच्छा, जब तक सामने वाले को पीड़ा नहीं होगी हमारा मन शांत नहीं होगा, इस मन को चैन मिलेगा, और वैसे मन बैर भाव का निधान होता ही है। निधान मतलब होता है खजाना। तो मन कैसा है? मन तो वैर का खजाना होता है, ना जाने किस किस के प्रति कैसी कैसी भावनाएं इसमें पनपती रहती हैं। कहते हैं मन की छाप में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं, ना मन हो तब कहीं नमन हो समन हो। इसीलिए मन यही कहता है सदा, ना मन क्या, ध्यान से देखो, नम ना, ध्यान से पढ़ो ये पंक्तियां कितनी सुंदर। मन की छाव में ही मान पनपता है, अर्थात मन के पास रहकर ही मान निरंतर मजबूत होता है, फलता फूलता है। कहाँ? मन में ही। बाहर स्थितियां कुछ भी रहें, विपरीत हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, कोई चर्चा का विषय नहीं, बस हमारी कषायें पलती रहती हैं, कहाँ? मन में। इसलिए मन मानसिक जो कर्म बन रहे हैं या मानसिक जो योग है जिसे मनोयोग कहा, इससे निरंतर निरंतर प्रवृत्ति चलती चली जा रही है, उसका कोई अंत नहीं। यहाँ बैठकर स्वाध्याय चल रहा है बढ़िया, और मन घूमने लंदन जा सकता है, हाँ जा सकता है, विषयों में जा सकता है, हाँ जा सकता है, अन्य कोई प्रवृत्ति कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि ये मन इसी रूप में है। मन का माथा नमता नहीं, मन कभी भी झुकता नहीं, इसलिए मंगलाचरण आदि में हमेशा कहा त्रियोग से। त्रियोग से क्यों कहा? त्रियोग समहारी के क्यों कहा? क्योंकि हम जब तक तीनों योग, बाहर से तो नमस्कारात्मक प्रवृत्ति बना ली, बाहर से तो हाथ आदि जोड़ लिए, लेकिन अंतरंग में नमने की प्रवृत्ति आती नहीं, मन ये नमता नहीं, सरलता से ये कहीं झुकता नहीं, ये सी ही इसकी स्थिति है। मन का माथा नमता नहीं, नमता नहीं मतलब झुकता नहीं, ना मन हो तब कहीं नमन हो श्रमण को, श्रमण मतलब श्रमण को, जो श्रमशील युक्त हैं मुनि महाराज हैं उनको नमस्कार कब होगा? जब हमारा मन झुकेगा। जब तक मन में झुकने की प्रवृत्ति नहीं, मन में नमस्कार की प्रवृत्ति नहीं, मन में झुकाव नहीं, तब तक किसी को नमस्कार नहीं किया जा सकता, और नमस्कार करना कठिन ही होगा। इसीलिए मन यही कहता है सदा, नम ना नम ना
नमना। पूज्यवर आचार्य भगवान परमानंदी आचार्य परमानंदी पंचविंशति का में लिखते, ये मन अच्छे कार्यों में नहीं लगता, क्योंकि मन को पता है यदि हम अच्छे कार्यों में लगेंगे तो हम मर जाएंगे, अर्थात हम अपने मन की नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, इसलिए मन यही कहता है सदा, नमना नमना नमना, अर्थात नमस्कार मत करो, झुको मत, क्योंकि झुकोगे तो मान कम होगा, और मान कम होगा तो हमारा ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, कषाएं कम होंगी तो हमारा जीवन समाप्त तो हो जाएगा। किसका जीवन? योगों का, और योगों से युक्त जीवन ही तो संसार है, तो यही समाप्त करना है। इसलिए मन कहता है झुको मत, मन कहता है अच्छे कार्यों में लगो मत। कैसे ध्यान करने बैठे, सामायिक करने बैठते हैं, प्रतिक्रमण बैठने बैठते हैं, और ये मन सारे संसार में घूमने चला जाता। पूछो मन से क्यों जा रहे हो? मन कहता देखो यदि एकाग्रचित हुए तो हम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मन के माध्यम से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात क्या होगा, अयोग केवली हो जाएंगे, और अयोग केवली के संयोग केवली के मन नहीं होता, इसलिए मन को डर है हम मरना जाएं। बादल दल पिघल जाए किसी भांति कांटे का, बदले का भाव बदल जाए इसी आशय से माटी कुछ कहती है उसे कि। बादल दल पिघल जाए अर्थात जो उसने घनघोरता बना के रखी हुई है वो धीरे धीरे कम हो जाए, और जो बदले का भाव अंतरंग में है वह बदल जाए, ऐसा भाव रखकर माटी उसे समझाती है। क्या कहती है देखते, बदले का भाव यह दल दल है कि जिसमें बड़ी बड़ी बैल ही क्या बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं और गज कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। बदले का भाव यह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भवों भवों तक। सुनो कितनी सुंदर पंक्तियां, बदले का भाव यह दलदल है, दलदल मतलब कीचड़ गंदगी, ये बदले का भाव तो कीचड़ के समान है गंदगी के समान है। क्या होता है जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या शक्तिशा बलशाली गज दल तक, गज मतलब हाथी दल मतलब समूह तक बुरी तरह फंस जाते। अरे छोटे मोटे बैलों की क्या बात करते हो जिसमें बड़े बड़े हाथी तक आकर फंस जाते हैं बच नहीं पाते। गज कपोल तक, कपोल मतलब होते हैं गाल, बड़े बड़े ये स्थान जो मुख चेहरे का जो स्थान तो कपोल कहते हैं, तो बड़े बड़े गज तक अपने कपोलों तक धस जाते हैं पूरी तरह इसमें। बदले का भाव यह अनल है, अनल मतलब होता है अग्नि, दो शब्द हैं ध्यान रखना, एक अनिल, अनिल मतलब होती है हवा, और अनल मतलब अग्नि। तो अगर बदले का भाव यह अनल है मतलब अग्नि के समान है बदला लेना, जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भवों भवों तक। देखो एक कमट का जीव था जिसने बदले का भाव रखा और वह बदले लेने की मानसिकता में भवों भवों तक 10 जन्मों तक लड़ता रहा। सामने वाला शांत है लेकिन शांति का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जीवन तो अशांत है, और उसी परिणति से चलता हुआ वह कमट 10 भवों तक भटकता रहा। इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह समझाया जा रहा है, बदले का भाव छोड़ो, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, बदले की जगह बदलाव को अपनाना है। 98 पेज। बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवलवन चेतन रूप भाष्य भानु भी अपने अस्तित्व को खो जाता है। सुनो ये राहु है, राहु क्या, राहु एक प्रकार का ग्रहों पर लगने वाला ग्रहण होता है। जो राहु, ऐसा अन्य मतों में मान्यता है कि राहु इस सूर्य नारायण के सामने आ जाता है, सूर्य नारायण को अपने मुख के अंदर कर लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो कह रहे हैं आचार्य महाराज, बदले का भाव वह राहु है जिससे सुदीर्घ अर्थात बहुत लंबे विकराल गाल में, अर्थात विकराल गालों में
चेतन रूपी भास्वत भानु भी चेतना रूपी चमकता हुआ भानु सूर्य भी अपना अस्तित्व खो देता है, अपनी पहचान समाप्त कर लेता है। अरे चेतना की पहचान भी बदले के भाव में खो जाती है, इसलिए तुम इस बदले के चक्कर में उलझना नहीं, बदले के चक्कर में पड़ना नहीं, इससे बचना ही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। अन्यथा इस चेतन को जो कष्ट होगा उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। सुनो, प्रतिमान योग के प्रसंग भी पगे पगे महाराज दे रहे हैं। सुनो, कहानी सुनी है? हाँ, पद्म पुराण नाम का ग्रंथ पढ़ा? रविशेन महाराज लिख रहे हैं कि वली नाम का राजा था, जो किसी प्रकार से युद्ध में अनेक प्रकार की परिस्थितियां वहां घटित हुई और उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर कैलाश पर्वत पर वह ध्यान कर रहे थे। वाली नाम के मुनिराज महान शक्ति संपन्न थे, रिद्धियां आदि उनके प्रकट हो गई थी और रावण का विमान वहां से निकला। जैसे ही रावण का विमान वहां से निकला और रावण क्रोध के आवेग में आ गया। क्यों? जैसे ही वहां से निकला और उनका विमान रुक गया, क्योंकि जो रिद्धिधारी विशेष मुनि महाराज होते हैं उनके सर के ऊपर से विमान आदि नहीं निकल सकते, उनका ओरा उनका प्रभाव इतना तीव्र होता है, तो वो वहां पे जाके रुक गया। जैसे ही वह रुका तो उसे समझ में आया यहाँ कोई विशेष शक्ति है। उसने नीचे आके देखा, अरे कोई मुनि महाराज है, बड़ी भक्ति से भर गया और उन मुनिराज की वंदना करने का मन बनाया। जैसे ही वह अपनी स्त्री के साथ वहां पर पहुंचा तो उसने देखा, अरे ये तो मेरा दुश्मन है और इसने दुश्मनी के पश्चात इस विमान को रोका है। बस इतना भाव आया और उसने कसम खा ली, संकल्प किया कि अब तो मैं इन्हें समाप्त करूंगा, और उसने उस कैलाश पर्वत को अपने दोनों हाथों से खिसकाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने उस चट्टान को या उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया, वैसे ही सारे के सारे पक्षी यहाँ वहाँ भागने लगे, हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, मौसम एकदम गड़बड़ हो गया। बाली मुनिराज के मन में आया कि ये तो अनर्थ करने जा रहा है और इतने सारे जिनालय भी तो यहाँ बने हुए हैं, क्या किया जाए? तो बाली मुनि ने अपने पैर का अंगूठा यूं दबाया, जैसे ही उन्होंने वह दबाया तो वह रावण पर्वत के नीचे दब गया और वहां रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा, बचाओ त्राही माम त्राही माम त्राही माम, रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी। और जब वो ऐसा रो रहा था तब उसका नाम रावण पड़ा, रोने वाला उसका नाम रावण पड़ा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था दशानन। दशानन मतलब क्या होता है? दस प्लस आनन, आनन मतलब होते चेहरे। अच्छा, तो क्या उसके दस चेहरे थे? नहीं, बचपन में जब वो छोटा था तब उसकी माँ ने उसके लिए एक रत्नों का हार लाई और उसके गले में यूं डाल दिया, जिसमें 10 सामने फ्रंट में 10 स्फटिक मणियां थीं और उन 10 9 उसको 9 लखा हार बोलते हैं, तो 9 लखा में 9 उसके चेहरे दिख रहे थे और एक उसका वास्तविक चेहरा, ऐसा उसके 10 चेहरे होने से उसका नाम दशानन पड़ा और वह रोया तो उसका नाम रावण पड़ा। देखो फिर से इसको, पंक्ति को सुनो। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? अरे बदला लेने की तो उसने भी ठाना था, लेकिन मिला क्या? तो सुनो, तन का बल मथित हुआ, अर्थात शरीर का सारा बल मथ गया, समाप्त हो गया, और मन का बल व्यथित हुआ, मन में व्यथा उत्पन्न हो गई, और यश का बल पतित हुआ, और सम्मान यश प्रसिद्धि समाप्त हो गई। लोग ये कहने लगे, बड़ा मुनि भक्त बनता था और आज मुनि महाराज से बदला लेने के भाव उसने ठान लिए, तो बदला लेने वाले का तन का बल भी जाएगा, मन का बल भी जाएगा और जगत में जो प्रसिद्धि है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, अर्थात नुकसान ही नुकसान हुआ। यही हुआ ना,
त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, राक्षसों की तरह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, तभी उसका नाम रावण पड़ा, अर्थात इसी कारण उसका नाम रावण हुआ। हाँ हाँ बस बस, अधिक उपदेश से विराम होमा, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो। अब यहाँ पर कांटे दल जो है वो कोई शांति से रहने वाला तो था नहीं, वो कहता है हाँ हाँ बस बस, अधिक उपदेश से विराम हो माँ, हे माँ माटी अब बस, अब ज्यादा मत उपदेश दीजिए। क्यों? मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, मात्र दृष्टि में ही हमारा जो नाम है कांटा वो चुभन अब ना हो, गुणवत्ता की ओर भी कुछ आयाम हो माँ। अरे हम लोग कुछ अच्छा भी करते हैं उस ओर भी तो कोई दृष्टि हो, मात्र हमारी बुराइयां देखना ही क्या आपका स्वभाव बन गया है, या मेरी गलतियां ही आप देखे जा रहे हैं, या हमारे विषय में गलत ही क्यों सोच रहे हैं, हम बैर भाव को लेकर आए ही क्यों, इसमें कारण क्या? हमने अगर उनकी बुराई की है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, हमारे मन में उनके प्रति बैर आया है तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। अब यहाँ तक यह पेज नंबर 98 पूर्ण हुआ। अब 98 से हम 2-3 मिनट बाद इसी एपिसोड में शुरू करेंगे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं उनको केवल 30 मिनट का एक एपिसोड हमेशा प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, बाकी रिकॉर्डिंग आपको इसके बाद उपलब्ध होगी। ओम ह्रीम अर्हम ळमो जिनाडं ळमो ढाण गुरुडं ळमो विज्ञा सायरम।